खान के नेशनल डे की तैयारियां उरूज पर हैं। यहाँ पे अब नेशनल डे होगा और ये है भाई खूबसूरत सा कुरम पार्क। और दे रहे हैं आज अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बैंक, बैंक के बाद एम्बेसी और एम्बेसी के बाद कुछ और। तो लेट्स गो गाइस, यल्ला। मॉल्स में हमें देखो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ, जो कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देखो भाई, वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड करो, नई टेक्नोलॉजी, नए इल्म सीखो, नए ज़माने के कारोबार सीखो, वरना पता है क्या होगा। ये पीसीओ देख रहे हो, एक वक्त में इसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज यहाँ पर इसके ऊपर जाले पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं, आप भी ऐसे हो जाओगे। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे ये बिग बस टूर्स, यहाँ पे गोरे बहुत आते हैं, अभी भी देखो ऊपर बैठे हुए माशाल्लाह नज़ारे कर रहे हैं सारे। तो टूरिज्म भी काफ़ी है यहाँ पर, बहुत टूरिज्म पे काम हो रहा है ओमान में इस वक्त, क्योंकि ओमान जो है पूरे खलीज का सबसे खूबसूरत मुल्क है। जितनी नेचुरल ब्यूटी सल्तनत ओमान में पाई जाती है, इतनी कहीं भी नहीं मिलती। अगर यकीन नहीं आ रहा तो सर्च करके देखो, आबशारें, ग्रीन पहाड़ और केव्स, और जो है वो अभी उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक और जगह उधर बनाई है अपना, थोड़ा डेजर्ट की साइड पे। गजाल यहाँ का अरेबियन जो है वो बड़ा फंटास्टिक और मशहूर है बहुत। तो बहुत सारी चीजें, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और वादीज तो फंटास्टिक है, फंटास्टिक। वादी बनी खालिद सर्च करो, वादी शाप सर्च करो, और उसके बाद वादी टीवी सर्च करो। ये सारी चीजें आप सर्च करोगे तो फिर आपको ओमान के बारे में पता चलेगा। ये चीजें मैं क्यों बताता हूँ लोगों को, क्योंकि जब मैं यूएस में था ना तो कोई बंदा जानता नहीं ओमान कहाँ है। वो पूछे थे किधर है ओमान, ओमान क्या है, फिर मैं बताता यार वो दुबई के बराबर में एक मुल्क है, वो है ओमान। तो उस दिन से फिर तय किया गया भाई ने, भाई पूरी दुनिया को बताएगा व्हाट इज ओमान। ओमान एक बेहतरीन मुल्क है, इसको प्रमोट करना चाहिए। बस ये थोड़ा सा अंडररेटेड है, क्योंकि लोग इसकी जो पब्लिकेशन है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अरेबिक में होती है, तो अरेबिक को फिर अरेबिक ही समझता है, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। तो भाई आपका करेगा ओमान को प्रमोट। कंप्यूटर की मेन सूख यहाँ पर सल्तनत ओमान में रूवी में, और यहाँ पर आपको ये सारी लाइन से कंप्यूटर की ही दुकानें मिलेंगी। सब कंप्यूटर है यहाँ पर, कंप्यूटर एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब ऑल अबाउट कंप्यूटर है, पूरा का पूरा दोनों तरफ। और इसमें एक्सपोर्टर भी हैं बहुत सारे, मतलब अच्छे बिजनेसमैन हैं यहाँ पर। ये है एक लाइन पूरी, अभी सुबह सुबह आया, क्योंकि मैं सुबह सुबह अपने काम निपटा देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दुकानें खुलेंगी, अभी कुछ बंद हैं। ये भी यहाँ से पूरा कंप्यूटर, ये दोनों जो लाइन है ना पूरी कंप्यूटर की, दोनों की दोनों। ये यहाँ से भी देखो कंप्यूटर शुरू हो गया सारा का सारा, सर्विसेज वगैरह करते हैं, सप्लाई करते हैं यहाँ पर। ये इधर इस तरफ पूरा, तो ये है भाई पूरी कंप्यूटर मार्केट, सारा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपको चीज चाहिए वो मिलेगा यहाँ पर सल्तनत ओमान। मस्कत में रूवी का इलाका है, ये मस्कत में रूवी का इलाका, यहाँ से आप आएंगे सामने लुलू है। भाई हम चलते हैं लुलू की पार्किंग में, बेसमेंट में। यहाँ पे मॉल्स का कॉन्सेप्ट है, देख रो बड़े बड़े जायंट आपको मॉल्स मिलेंगे, मॉल ऑफ ओमान, एवेन्यूज मॉल, फिर ये लुलू है, फिर उसके बाद जो है ग्रैंड मॉल है, फिर उसके बाद जो है वो एक और बड़ा मॉल अभी बना है रिसेंटली अपना, मतलब दो एक साल हो गए उसको तकरीबन, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। बुलेवार्ड मॉल, यस, अल अरामी बुलेवार्ड, बहुत बड़ा मॉल है वो अल खुद में। तो जितने भी लोग जो पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं या बांग्लादेश से, वो कहते हैं यार, नए लोग वो कहते हैं यार बाहर मार्केटों में दिन में रश नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि सब लोग होते हैं मॉल्स के अंदर, दिन में बाहर गर्मी होती है, तो इसलिए दिन में मॉल्स, रात में मार्केट है, ये सारा मामला चलता है यहाँ पर। पूरे गल्फ में, पूरे खलीज की बात है, आप दुबई हो कहीं पर भी हो, दिन में आपको सारा का सारा रश मॉल्स के अंदर मिलेगा। अभी जैसे मैं हूँ खुद, मुझे कुछ काम है यहाँ पर, इनफैक्ट हमारी जो मीटिंग्स वगैरह कुछ करनी होती है वो भी हम जाके मॉल्स में करते हैं। तो दिन में मॉल, रात में मार्केट, रश देखना है तो आप रात को निकलो मार्केटों में, तो जो मुझे चाहिए वो मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पर, तो मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। आर्किटेक्ट चेक करो यार, ये ना मुझे सबसे बेहतरीन लगता है, मतलब एक जैसी बिल्डिंग है, काम एंड कूल एनवायरनमेंट, क्रेनें घूम रही हैं, लेबर चढ़ी हुई है, काम चल रहा है।
ये भाई एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है केव के नाम से, पूरा केव बनाया हुआ देख रहे हो, फुल टाइम आर्टिफिशियल केव। और ये भाई स्ट्रक्चर चेक करो, ये वाला मामला जो है ना ओमान का, स्पेशली इस वाले इलाके, पीछे समंदर सामने बेहतरीन सा लैंडस्केप और ओमान की खूबसूरत सी सड़कें और सड़कों।